में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है, अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। 21वीं सदी में ऐसी बातें करना कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। जितने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चाल कुछ और कहता है और उनकी जुबान कुछ और कहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब क्या कर जाएं कोई नहीं जानता। जब एनडीए में थे तो अचानक से इफ्तार पार्टी के लिए पैदल चले जाते हैं, और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। और कल जब रावड़ी आवास में दही चूड़ा का भोज था तो पैदल पहुंचे। उनके चाल जो थे वो रावड़ी आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके जो रंग रूप थे वो बेहद अलग दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये सारी बातें कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सहजमुई सांसद चिराग पासवान। चिराग पासवान से जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया, उनसे जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज के लिए रावड़ी आवास गए, इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं और उनके चाल जो है वो कुछ बयां करते हैं। क्या कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं, चलिए हम आपको पहले उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। भाई, मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है, अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरे परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। और अगर वो पाला बदलते हैं नहीं बदलते मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है, ये बिहार के लिए दुखद है। अभी लगता है कि खरमास का जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं 21वीं सदी में ऐसी बातें करना कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। जितने भी इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, वेमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं यही बौखलाहट है, तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। हमको क्या कहना, अरे प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था, पर अगर उसके बाद अगर इनको नेता नहीं कोई मान रहा है। देखिए, हकीकत है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति अब समाप्ति की ओर है। ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी
उन पर भरोसा नहीं करते। आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ा होगा, गठबंधन संभालना तो बहुत बड़ा। आपने सुना कि चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव के बयान को लेकर भी बोला। दरअसल बिहार सरकार मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनके सपने में श्री राम प्रभु आए थे और उन्होंने कहा कि हम 22 जनवरी को नहीं आ रहे हैं, हम ये सब ढोंग में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। इसको लेकर चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव को कहा कि 21वीं सदी में इस तरह की बातें कौन करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।